दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीते तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बस T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी से एक कदम दूर टीम इंडिया के सामने चुनौती लेकर खड़ी है खूंखार अफ्रीका की क्रिकेट टीम। थोड़ी देर में बजने वाला है इस रोमांचक फाइनल का बिगुल। रोहित एंड कंपनी क्या होगी इस मैच में पास या फेल? क्या बारिश दिखाएगी इस मैच में अपना कहर? इस मुकाबले की शुरुआत कितने बजे से होगी? कब खेला जाने वाला यह रोमांचक मैच? यह सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे ही, साथ ही मौसम का हाल, लेटेस्ट पिच रिपोर्ट और दोनों टीमों की प्लेइंग 11 भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले, आपको क्या लगता है रोहित, विराट और सूर्या में कौन इस फाइनल में शतक लगाएगा? अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आखिरकार वह घड़ी आ चुकी है जिसका पूरे क्रिकेट जगत को बेसब्री से इंतजार था। भारतीय शनिवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ फाइनल मुकाबला खेलने के लिए तैयार है और यह मुकाबला बारबाडोस के केंसिंगटन ओवल मैदान में खेला जाएगा। इस दौरान दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी और दोनों टीमें इस टूर्नामेंट में अब तक अजेय रही हैं। भारत ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराकर फाइनल में जगह बनाई है, जबकि दक्षिण अफ्रीका ने अफगानिस्तान को मात दी है। यानी कि यह मुकाबला दो टीमों के बीच में सम्मान की आखिरी जंग है। अफ्रीका पहली बार वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंची है और टीम इंडिया सालों से इस ट्रॉफी का इंतजार कर रही है। ऐसे में कांटे का घमासान तो अंतिम गेंद तक होगा। दोनों टीमों के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो T20 विश्व कप में भारत का दक्षिण अफ्रीका से 6 बार सामना हुआ है। इनमें 4 मैचों में भारतीय टीम ने जीत हासिल की है, जबकि दक्षिण अफ्रीका को 2 मैचों में जीत मिली है। वहीं T20 क्रिकेट में भी भारत का दक्षिण अफ्रीका पर पलड़ा भारी है। दोनों के बीच कुल 26 मुकाबले खेले गए हैं और इनमें भारत को 14 और प्रोटियाज को 11 में जीत मिली है, जबकि एक मैच बेनतीजा रहा है। ऐसे में भारत किताबी मैच में जीत का प्रबल दावेदार है। लेकिन दोस्तों, करोड़ों फैंस के लिए बुरी खबर यह है कि गयाना में खेला गया दूसरा सेमीफाइनल मैच बारिश से प्रभावित रहा था। ऐसे में फैंस को भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका मैच की भी चिंता सता रही है। मौसम रिपोर्ट के अनुसार 29 जून को बारबाडोस में बारिश की संभावना 78% है। लोकल समय अनुसार मैच सुबह 10:30 बजे शुरू होगा, जबकि सुबह 3 से 4:10 बजे तक बारिश की संभावना लगभग 50% है। वहीं 11 बजे तूफान के साथ बारिश की संभावना जताई गई है और अगर यह मैच शुरू भी हो जाता है तो तेज बारिश के कारण रुकना तय है। ऐसे में अगर 29 जून को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाला यह मुकाबला बारिश की वजह से प्रभावित होता है तो ICC ने इसकी व्यवस्था की है। बोर्ड ने खिताबी मैच के लिए रिजर्व डे रखा है। दोनों टीमें इस स्थिति में अगले दिन लड़ती नजर आएंगी। हालांकि अगर यह मुकाबला रिजर्व डे पर भी नहीं हो पाता है तो सुपर ओवर के जरिए विजेता चुना जाएगा। वहीं अगर सुपर ओवर में भी बारिश के कारण नहीं हो पाता है तो दोनों टीमों को T20 विश्व कप 2024 का संयुक्त विजेता घोषित कर दिया जाएगा, जो कोई भी नहीं चाहता। लेकिन सभी एक का रोमांचक मैच देखना चाहते हैं, लेकिन यह चुनौती इतनी भी आसान नहीं है। बता दें, किंगस्टन ओवल मैदान पर गेंद और बल्ले के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिलती है। बारिश के कारण पिच रिपोर्ट भी काफी हद तक बदलने वाली है। इस मैदान पर तेज गेंदबाजों को उछाल के साथ स्विंग कराने का मौका मिलता है। वहीं बीच के ओवरों में स्पिनर्स बल्लेबाजों को खासा परेशान करते हैं और इस पिच पर पहली पारी का औसत स्कोर 153 रन है। इस मैदान पर कुल 32 T20 मैच खेले गए और इनमें पहले मुकाबला करने वाली टीम ने 19 मुकाबले जीते हैं, जबकि 11 मैचों में लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम को जीत मिली है। वहीं 2 मैच बेनतीजा रहे हैं। इस मैदान पर टॉस अहम भूमिका निभाएगा। और दोस्तों, चलिए आप दोनों की प्लेइंग 11 पर नजर डालते हैं। तो अब अफ्रीका के खिलाफ रोहित शर्मा कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते। ऐसे में सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैच से पहले भारत की प्लेइंग 11 में कई बड़े बदलाव खुद कप्तान रोहित शर्मा ने कर डाले हैं। रोहित शर्मा ने ग्रुप स्टेज के मुकाबले को देख लेने के बाद अब फैसला किया है कि विराट कोहली के साथ वह पारी की शुरुआत नहीं करने वाले। जी हां दोस्तों, अब रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल पारी की शुरुआत करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं मध्यक्रम में विराट कोहली को नंबर 3 पर रखा गया है। चौथे नंबर पर T20 के नंबर 1 खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव अपने बल्ले से गदर मचाते हुए नजर आएंगे। वहीं नंबर 5 की पोजीशन पर ऋषभ पंत के कंधों पर रोहित शर्मा ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं ऑलराउंड डिपार्टमेंट में हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल रोहित के 2 सबसे बड़े हथियार रहने वाले हैं। हालांकि टीम से एक बड़ा नाम बाहर होता हुआ नजर आया है, जो है रविंद्र जडेजा, जिनको कप्तान रोहित शर्मा ने इस बार मौका नहीं दिया। वहीं दोस्तों, बात करें गेंदबाजी की तो गेंदबाजी में कुलदीप यादव भारत के लिए बतौर स्पिनर खेल रहे हैं और जसप्रीत बुमराह और सुदीप सिंह को बतौर पेशर उतारा गया है। तो ऐसे में दोस्तों, यही है भारत की प्लेइंग 11 अफ्रीका के खिलाफ जो खेलती हुई नजर आएगी। लेकिन अफ्रीका टीम भी किसी से कम नहीं है। ओपनिंग क्रम में विस्फोटक क्विंटन डिकॉक और रिजा हेंड्रिक्स तो अकेले ही भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने के लिए काफी हैं। वहीं मध्यक्रम में कप्तान एडम मार्करम, हेनरी क्लासेन, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स के होते हुए अफ्रीकी टीम इनविंसिबल नजर आ रही है। ऑलराउंड डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी मार्को यॉनसन के कंधों पर रहने वाली है और स्पिन जादूगर केशव मराज से लेकर तबरेज शम्सी, पेस डिपार्टमेंट में कैगिसो रबाडा के साथ हेनरिक नौकिया भारतीय बल्लेबाजों पर बिल्कुल भी रहम करते हुए नजर नहीं आएंगे। यानी कि गेंद और बल्ले के बीच में कांटे का घमासान देखने को मिलने वाला है, क्योंकि दोनों टीमों में एक से बढ़कर एक सूरमा है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है इंडिया और अफ्रीका के मैच में कौन सा बल्लेबाज शतक लगाने में कामयाब हो पाएगा? कौन मारेगा इस मैच में बाजी? अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी शानदार खबरों के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।